हेलो फ्रेंड, राधे राधे दोस्तों। श्राद्ध में भूल कर भी ना खाए ये सब चीजें, ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें, अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने। श्राद्ध में भूल कर भी ना खाए ये सब चीजें। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का खास महत्व है। धार्मिक दृष्टि से पितृ पक्ष यानी श्राद्ध माह में पूर्वजों या पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करने का विधान है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से होती है, जो आश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिन का होता है, जिसमें पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और अन्य श्राद्ध कर्मों से पितृदेव को प्रसन्न किया जाता है। पितृपक्ष के कुछ नियम है, इसको हमें मानना चाहिए। तामसिक भोजन, इन 16 दिनों में किसी भी तरीके के तामसिक भोजन जैसे मछली, अंडा, मांस, प्याज, लहसुन खाने की मनाही होती है। इसके अलावा 16 दिन में शराब का भी सेवन वर्जित माना जाता है। दालें, पितृपक्ष के दौरान कुछ दालों को भी खाने की मनाही होती है, जैसे कि चने की दाल, सत्तू, मसूर, उड़द की दाल और इससे बनी चीजों को भी इस दौरान खाना वर्जित माना जाता है। सब्जियां, पितृपक्ष के दौरान कुछ सब्जियों को भी खाने की मनाही होती है। इस दौरान खीरा, करेला, सरसों का साग, चुकंदर, अरबी, गाजर, मूली, शलगम, सूरन और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां खाना इस दौरान वर्जित माना जाता है। मसाले, पितृपक्ष के दौरान कई मसाले को खाने की भी मनाही होती है, जैसे जीरा, राई, सरसों के बीज और काले नमक का भी सेवन इन दिनों में करना वर्जित माना जाता है। पके चावल, पितृपक्ष के दौरान पके हुए चावल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चावलों से पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इसीलिए कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अत्यधिक मसालों के साथ पकाया गया भोजन, पितृपक्ष के दौरान मसालेदार और तेलीय भोजन से भी परहेज करना चाहिए। सरल सात्विक भोजन करना चाहिए जो हल्का और पचने में आसान हो, क्योंकि इस प्रकार का भोजन पवित्रता और सादगी को दर्शाता है, जो पूर्वजों से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।